हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास के अंदर इंटरेस्ट रेट को 300 बेसिस पॉइंट से हाइक करके 20% पे लेकर चले गए हैं। ये हाइक IMF की एक प्रायर कंडीशन थी फॉर द 9th रिव्यू, और इसके अलावा आपके मुल्क के अंदर जो रैम्पेंट इन्फ्लेशन है जो 31.5% पे कॉक इन हुई है फॉर फेब्रुअरी, वो उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाने पड़े हैं। SVB के मुताबिक FY23 की एवरेज NCPI 27% से 29% के बीच में कॉक इन करेगी। FY23 के स्टार्ट में पाकिस्तान को $23 बिलियन की एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग करनी थी। उसमें से 15.8 बिलियन ऑलरेडी पे या रीफाइनेंस हो चुके हैं। बचे जो 7.2 बिलियन है, उसमें से मजीद 4.3 शायद रीफाइनेंस हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को एट अ मिनिमम $3 बिलियन देने हैं इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। IMF का 9th रिव्यू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और जितना डिले हो रहा है उतना अनसर्टनिटी मार्केट में बढ़ती जा रही है, और उतने आपके FX रिजर्व पर प्रेशर आ रहा है। आपको 3 बिलियन ऑलरेडी रीपे करने हैं, जबकि आपके SCP भी हेल्ड FX रिजर्व सिर्फ 3.8 बिलियन पे खड़े हुए हैं। इंपोर्ट्स का अपना ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू रोका हुआ है, लेकिन आप कब तक रो सकते हैं? जितना जल्दी ये रिव्यू हो उतना पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क कन्वर्जन के लिए बेहतर है। MPC की स्टेटमेंट से पहले मार्केट मोर लेस 200 बेसिस पॉइंट्स का तो हाइक इंक्रीज एक्सपेक्ट कर ही रही थी। इसकी वजह से आपने आज देखा होगा कि मार्केट में मोर लेस पॉजिटिव रिएक्शन आया, क्योंकि उम्मीद है कि IMF का प्रोग्राम के कंप्लीशन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पर्सिस्टेंट रहे तो आने वाली MPC जो 4th अप्रैल को है उस पर आप पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि और मजीद हाइक भी आ सकता है। थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।